भारत सरकार 2% की अपनी तरफ से सब्सिडी देती है, तो 7% ब्याज पर किसान को कर्ज मिलता है, और अगर किसान समय पर उसको चुका दे तो 3% की सब्सिडी उसे और मिलती है। तो ऐसे कुल मिला के अगर समय पर किसान अपना फसली ऋण चुकाने में सफल होता है तो किसान को 4% ब्याज पर कर्ज मिलता है। लेकिन अभी भी सामान्य स्थिति नहीं है, और इसलिए पहले चरण में 31 मई तक उनको छूट दी थी कि वो अपना पैसा जमा कर दें, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई जगह खरीद का काम भी चल रहा है, कई जगह बैंक में जाना थोड़ा दुर्लभ भी हो रहा है। इसलिए किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। मैं समझता हूँ ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है, और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी निरंतर सोचते भी रहते हैं। गत वर्ष का भी अगर हम देखेंगे तो सब्सिडी के रूप में 28,000 करोड़ रुपया किसानों के हित में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर किसान की जेब में जाता है, तो इस बार ये थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन पिछले बार 28,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की स्थिति आई थी। तो यह ब्याज छूट योजना के अंतर्गत देश भर का किसान ये सोच रहा था कि 31 मार्च को नहीं हो पाया, फिर उसको आशा बंधी 31 मई, लेकिन 31 मई को भी वो अवसर नहीं आ पाया, तो इसलिए फिर 31 अगस्त तक की ये छूट प्रदान की गई है। यह निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगी। इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथियों एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।